आज प्रधानमंत्री जी भी आए, नड्डा जी भी आए, सब आए और मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है, नए मुख्यमंत्री बने। इतने सालों का जो चल रहा था, हर 5 साल में वसुंधरा जी, गहलोत जी, वसुंधरा जी, उनकी जगह भजन लाल जी आए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इतना ही कहना है, वसुंधरा जी भी आई तो कार्यकर्ताओं के बीच से निकल करके आई, पार्टी ने निर्णय किया, संगठन ने निर्णय किया, तब वो आई। और आज भी जो नेतृत्व ने जो निर्णय किया, हमारे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण ने निर्णय किया, तो एक कार्यकर्ताओं में से निकल करके कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा था, जो पिछले 35 साल से पार्टी का काम कर रहा है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में निकला हुआ व्यक्ति आज मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। उप मुख्यमंत्री के नाते एक हमारे साथी, युवा साथी शपथ लेता है, तो दिया कुमारी हमारे बीच में जो लगातार सांसद के रूप में, विधायक के रूप में अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो शपथ लेती है। तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड जो पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और कार्यकर्ताओं को वो उचित सम्मान देती है। उसके लिए वहाँ पर नेता बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए कोई गांधी, कोई अय्यर या किसी नेता का बेटा होना जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता, कार्यकर्ता का बेटा वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके मुख्यमंत्री बनेगा। और आज जो जनसैलाब उमड़ा है, आप देखेंगे लाखों की संख्या में जनता आज पूरे इस रामनिवास बाग में आपको नजर आई है। ये इस बात का द्योतक प्रमाण है कि राजस्थान भर का कार्यकर्ता आज अपने बीच में से निकले कार्यकर्ता को शपथ लेते देखने आए। मोदी जी ने क्या मैसेज दिया इससे? एक भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा इस के माध्यम से एक मैसेज दिया है कि किस प्रकार से एक साधारण कार्यकर्ता और एक छोटा कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता और सर्वोच्च पद पर, राज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंचा। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में एक उत्साह है कि भजन लाल जी हमारे बीच के लोग, भजन लाल जी थे और वो आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का दायी होगा और आने वाले समय में सभी कार्यकर्ताओं को एक उत्साह का संचार है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और हमको भी कभी न कभी जीवन में, राजनीतिक जीवन में मौका मिल सकता है। इस प्रकार का एक उद्देश्य था पार्टी का और पार्टी उस उद्देश्य को देने में सफल रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या, 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 2024 के चुनाव में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। एक कार्यकर्ताओं के बीच में से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देना, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये संभव है। दूसरी पार्टियों के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ परिवार पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक टिकट भी नहीं बदलता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी साधारण कार्यकर्ता को घर से उठा के और संगठन के कार्यकर्ता के रूप में जो काम करने वाला है उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसे पद तक भी नवाजा जा सकता है। इसमें कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और 2024 में हम निश्चित ही, ये सेमीफाइनल हमने जीता है और 2024 में हम सेमीफाइनल जीतने वाले हैं। धन्यवाद। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट वापस से कायम कर पाएगी बीजेपी? हम जब 2018 से लगा के 2023 तक कांग्रेस का रास्ता राजस्थान में, और राजस्थान की पब्लिक ऐसी समझदार है कि 2018 में 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त भी 25 में से 25 सीटें दी, और अभी तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का राज है और इस राज में 25 में से 25 लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। क्या कारण रहा कि कांग्रेस आ रही? कांग्रेस ने जो अशोक गहलोत का जो राज रहा है उसमें पेपर लीक और जो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं उस वजह से इनका राज गया है और अब हमेशा के लिए चला गया है। अब दोबारा ये रिपीट होना संभव ही नहीं है। और हमें अब जब मोदी जी का राज आ गया है और हमारे भजन लाल जी जो है एक साधारण कार्यकर्ता से एक मुख्यमंत्री बने, अब उनका जो ये सकारात्मक जो इस राजस्थान में राज रहेगा। आज भजन लाल जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ ना तो परिवारवाद चलता है ना वंशवाद चलता है। भारतीय जनता पार्टी में एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एक राज्य का मुखिया बना दिया जाता है और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार आई है, इस डबल इंजन की सरकार से भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री बने, भजन लाल जी विकास के नए आयाम और नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मेरा तो इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जो काम आज तक इतिहास में राजस्थान में नहीं हुआ वो आने वाले 5 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भजन लाल जी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी? आप बोलो। लोकसभा चुनाव की मतलब 25 की 25 आएंगी
अब ज्यादा नहीं है ना तो ज्यादा भी आ सकते हैं, मोदी जी आ रहे हैं। आप क्या लग रहा है कि क्या रहेगा आने वाले पाँच साल? पाँच साल में विकास होगा, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, अच्छा विकास होगा राजस्थान बजेलाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। 25 ही 25 सीट आएंगी राजस्थान में बीजेपी।